इससे पहले कि वो और कुछ करे, मैं चाहती हूँ कि शादी अच्छे से जल्द हो जाए। नहीं, प्रीत हार चुकी है और मैं अब आधे घंटे बाद ही मंडप में बैठूंगा। जो वादा किया है उसे निभाना तो पड़ेगा। तूने मेरी मम्मी को किडनैप कराया था ना, तू शायद ये भूल गया कि 18 साल मैं शाह बनकर रही हूँ। मुझे हराना इतना आसान नहीं है। जा, कर ले शादी साक्षी के साथ। अब दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पहला फेरा संपन्न हुआ माँ, आपकी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही, जरा बुलाइए ना। दूसरा फेरा पूरा हो गया प्रीत। क्यों पंडित जी? जी अब बस 5 फेरे और बचे। कहाँ गए हो? कहीं शादी के मंडप में तो नहीं चली गई? अब दुल्हन आगे की तरफ चलेगी। फेरे पूरे हुए हैं प्रीत, अब तो बाहर आकर देख ले मैं और साक्षी कैसे हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। छह, छह फेरे संपन्न हुए मां, अब तो अपनी बहू का दीदार करा दीजिए। उसकी हारी हुई सूरत देखने का बड़ा मन कर रहा है मेरा। प्रीत, 7वां फेरा लेने जा रहा हूं, 7वां मतलब आखिरी। और ये फेरा पूरा होने के बाद मुझे और साक्षी को कोई अलग नहीं कर सकता। 7 वचनों के साथ ये 7 फेरे पूरे हुए और इसी के साथ ये शादी संपन्न हुई। तदेव लग्नम सुजनं तदेव तारा बलं चंद्र बलं तदेव। क्यों मां, बड़ा गुरूर था ना आपको अपनी बहु प्रीत पर? क्या हुआ? अब आप लोग स्थान ग्रहण करें, बैठ जाएं। जी पंडित जी। ईश्वर को साक्षी मानकर आप दोनों यह प्रतिज्ञा कीजिए, इन 7 वचनों का पालन आप जीवन भर करेंगे।
मैं भगवान से वादा करता हूं कि जिस तरह ये सात फेरे लिए हमने, उसी तरह सारे सात वचन सात जन्मों तक निभाऊंगा। तो अब अगले सात जन्मों तक ये मेरी धर्म पत्नी रहेगी। आपका आशीर्वाद भी तो जरूरी है ना मां, क्योंकि आप मेरी मां हैं और मैं आपका बेटा। और अब ये आपकी बहू, मां प्रीत, अब गुजरा हुआ कल है मां, एक बुरा सपना, और आज जो है वो है हम, मैं आपका बेटा और अब ये आपकी बहू। प्रीत मेरे सामने नहीं टिक पाई मां, नहीं टिक पाई। फटाफट, बहुत देर हो गई, चलो और क्या, चलो लीजिए। अरे लीजिए ना, मैं मैंने मना किया था ना तुझसे यहां आने के लिए, समझ नहीं आता क्या? मुझे लगा तुम भूल गए, मुझे भूख लगी थी इसलिए। अब वर वधु को मंगलसूत्र पहनाएंगे। दीदी वो जरा मंगलसूत्र देंगे जो आपके पास पड़ा है? आपका बेटा आपकी बहू को पहनाएगा। वधु को मंगलसूत्र पहनाइए। जी पंडित जी। शुभ मंगल अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। आप हमारे बीच में और कोई तीसरा नहीं आ सकता, कोई तीसरा नहीं आ सकता साक्षी। अब वर वधु की मांग में सिंदूर भरेंगे। ये ना अपनी बहू प्रीत को, मैं उसे दिखाना चाहता हूं कि मुझ में बाजवाओं का खून है। जो कहा था वो कर रहा हूं। प्रीत चला जा बाहर और देख
मैं अपनी सुलभन की मांग में सिंदूर भरने जा रहा हूँ, और एक बार सिंदूर लग गया ना प्रीत, तो फिर तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। प्रीत, मैं तीन तक गिनती गिन रहा हूं, आजा बा और देख अपनी आंखों से मुझे मेरी दुल्हन को सिंदूर लगाते हुए, उसकी मांग भरते हुए। बाद में मत कहना तूने मुझे अपनी दुल्हन को सिंदूर लगाते हुए देखने का मौका खो दिया। मौका नहीं गवाऊंगा। मैंने कहा था ना राज, असली दुल्हन मंडप तक पहुंच जाएगी। अब सात फेरे भी हो गए हैं और मंगलसूत्र की रस्में भी हो गई हैं। बचा सिंदूर, भर दो मेरी मांग में पतिदेव। नहीं प्रीत, तुझे क्या लगता है ये शादी पूरी हो गई? नहीं, ये शादी अधूरी ही रहेगी प्रीत। मेरे हाथों से तेरी मांग में सिंदूर भरने का जो तेरा सपना है ना, ये सपना ही रहेगा।
तुमने पहले भी कहा था राज कि मैं सपने बहुत देखती हूँ, और मैंने समझाया था कि सपने पूरे होने की पहली शर्त है उसे देखना आना चाहिए। सिंदूर तो तू भरेगा राज, मैं अपने सुहाग का सामान लेकर आई हूं। और तुझे ये क्यों लगता है प्रीत कि मैं ये टिप्पी नहीं फेंक सकता? बस 3 गिनने की देरी है, बाकी तू सब समझ जाएगा। 1, 2 कोई चमत्कार नहीं हुआ प्रीत। भगवान की लाठी की आवाज जरा देर से सुनाई देती है। अरे राज बाबू, क्या हाल है? राज मेरे पति हैं और मैं इनकी पत्नी। अरे राज बाबू, वावा कितने सुंदर लग रहे हो। ओए होए 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 प्रीत पुत्र, ओ कितनी सोनी लग रही तू। ओ कैसी है पुत्र? सस्त्री अकाल वीर जी। बस सस्त्री अकाल पुत्र। ओए हमें आने में देर तो नहीं होगी ना? हो ना जी ना, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। दुल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने ही वाला था। वो कमाल है जी, कमाल है। एक कुवारी मिले थे हम, और मुझे नहीं था पता कि इतना प्यार और हक जमा के तू मैनू भाई बना देता है। आज तू मुझे शादी में भी बुलाएगी। ओ प्रीत पहले ही मुझे बता चुकी है इन दोनों ने मंदिर में भी शादी की है, इसलिए इस बार बड़े जोर शोर से हैं सबके सामने कर रहे हो। क्या बात है भाई, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। अरे चलो जी पंडित जी, मुहूर्त ना निकल जाए, रस्में पूरी कर ले। सही है। अरे भाई बंद क्यों कर रखा है ढोल, वो आज शादी है तो बजाओ ना ढोल, बजाओ बजाओ। पुलिस वाला यहाँ पर क्या कर रहा है? चक्कर क्या है? वो तो चुपचाप सब कुछ सुन क्यों रहा है? अब आप चिंता ना करो, जो हो रहा है होने तो मैं आपको सब बाद में बताता हूँ। आप बस शांत रहो प्लीज, पापा प्लीज। ये समझ लीजिए कि ये बाजवाओं की इज्जत का सवाल है। तू बोल रहा है तो मैं चुप रह रहा हूँ, वरना। चलो जी रस्में पूरी कर लेते हैं।
ಲಗ್ನ ಸುಂತ ತಾರಾ ಬಲಂ ಚಂದ್ರ ಬಲಂತ ದೇವ ವಿದ್ಯಾ ಬಲಂ ದೈವ ಬಲಂತ ದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಸಂಸ್ಮರಾವ.